अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 11 साउंड के नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फ्रॉम 11.5 टू 11.9. 11.5 है, ए मैरीन सर्वे शिप सेंड्स ए साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड, इट रिसीव्स एन इको 1.5 सेकंड लेटर. इको होता है आवाज़ गई और टकरा के वापस आई, जितना टाइम लगा उसको इको कहते हैं, वो 1.5 सेकंड है. The speed of the sound in sea water is 1500 meter per second. Speed of sound v की वैल्यू उसने दे दी. डेटा में अगर हम देखें, टाइम फॉर इको 1.5 सेकंड दिया हुआ था और v 1500 मीटर पर सेकंड. फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजिशन. हमने डिस्टेंस यानी कि डेप्थ हमने जो है वो मालूम करनी है, s कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इको तो आवाज़ का जाके टकरा के वापस आना है, हमें तो सिर्फ ज़मीन तक का टाइम चाहिए एक साइड का. तो इसलिए हमें लिखा, टाइम फॉर द वेव टू रीच द सी बेड इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 1.5, जो इको का था उसको 2 पे डिवाइड कर दिया तो 0.75 सेकंड्स. अब फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी टी. वी की वैल्यू 1500 मल्टीप्लाई बाय 0.75, मल्टीप्लाई किया तो 1125, और डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.6. अ स्टूडेंट क्लैप्स हिज हैंड्स नियर ए क्लिफ एंड हर्ड द इको आफ्टर 5 सेकेंड. इको की वैल्यू डेटा में हमने लिख दी 5 सेकेंड. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज टेकन एज 346 मीटर पर सेकेंड. वी की वैल्यू 346 मीटर पर सेकेंड गिवन है और क्लिफ तक का फासला एस मालूम करना है. तो सबसे पहले हम टाइम को देखेंगे क्योंकि इको दिया हुआ है. टाइम फॉर द वेव टू रीच द क्लिफ यानी कि आधा टाइम हमें चाहिए, t इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2, 2.5 सेकेंड. सिर्फ क्लिफ तक का वक्त आवाज़ के पहुंचने का 2.5 सेकेंड है. मेन फार्मूला s इज इक्वल टू वी टी. वी की वैल्यू 346, 2.5 टी से मल्टीप्लाई किया तो 865 मीटर्स डिस्टेंस आ गया. 11.7 है, ए शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड डेट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड्स. आवाज़ गई टकरा के वापस आई तो इको का टाइम है 3.42 सेकेंड. इफ द स्पीड ऑफ द अल्ट्रासाउंड थ्रू द सी वाटर इज 1531, बी की वैल्यू 1531, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप. डेप्थ जो है एस हमने मालूम करना है. तो सेम वैसे ही टाइम फॉर द वेव टू रीच द सी बेड, सिर्फ एक साइड का टाइम टी इज इक्वल टू 3.42, इको के टाइम को 2 पे डिवाइड कर दिया 1.71 सेकेंड. और सिंस हम जानते हैं एस इज इक्वल टू वी टी, वी की वैल्यू 1531 मल्टीप्लाई बाय टी की 1.71, तो 2618.01 मीटर्स आ गया. नेक्स्ट है 11.8, इसमें कहता है द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हेयर इज अबाउट 20,000 हर्ट्ज़. चूंकि यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी सवाल में दी हुई हैं इसलिए F1 20,000 हर्ट्ज़ लिख दिया. व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इन एयर एट द फ्रीक्वेंसी और एट ए टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस. फ्रीक्वेंसी जो है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द साउंड. वेवलेंथ जो है F1 के अगेंस्ट वो हमने मालूम करनी है, लैम्डा 1 हमने कैलकुलेट करना है. तो फर्स्ट पार्ट में F1 दिया हुआ है और लैम्डा 1 निकालने को कहता है. आगे दूसरा हिस्सा कहता है व्हाट इज़ द वेवलेंथ, दोबारा सेकंड पार्ट में लैम्डा 2 कहता है मालूम करो. ऑफ द लोएस्ट साउंड वी कैन हेयर ऑफ अबाउट 20 हर्ट्स, और हमें जो है फ्रीक्वेंसी F2 जो है वो 20 हर्ट्स दे दी. उसके बाद अज्यूम द स्पीड ऑफ साउंड 343 मीटर पर सेकंड. वी की वैल्यू 343 है, दोनों के लिए ही इतनी है. तो हम फार्मूला जानते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वी वन इज इक्वल टू एफ वन लैम्डा वन. लेकिन वी वन नहीं लिखा, दोनों के लिए v सेम है. रीअरेंज किया तो लैम्डा वन बराबर आ गया v ओवर एफ वन. वी और एफ वन की वैल्यू पुट करने के बाद दोनों को डिवाइड किया तो 0.0175 मीटर्स आ गया. इसको साइंटिफिक में चेंज किया तो 1.715 × 10⁻²⁻ मीटर. सिमिलरली सेकेंड पार्ट में वी टू इज इक्वल टू एफ टू लेमडा टू, लेकिन वी टू की जगह वी लिखा, दोनों के लिए वी सेम था. रीअरेंज किया, लेमडा टू बराबर आ गया वी ओवर एफ टू. वी 343 है डिवाइडेड बाई 20 तो 17.2 मीटर्स आ गया. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, जो कि लास्ट न्यूमेरिकल है. ए साउंड वेव हैज़ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्स. हमने शुरू में लिखा एफ 2 किलो हर्ट्स और
हर्ट्स यूनिट ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी का किलो थाउजेंड होता है, थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2000 हर्ट्स हो गया। एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर, लैम्डा 35 सेंटीमीटर है, एसआई यूनिट में चेंज किया 100 से डिवाइड करके 0.35 मीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस जो है वो 1.5 किलोमीटर है और टाइम हमने मालूम करना है। तो वेव जो है वो एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रेवल करके जाती है और टोटल डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर का तय करती है और टोटल टाइम ही हमने मालूम करना है। और वेव लेंथ, एक छोटी वेव की लेंथ जो है वो 35 सेंटीमीटर है। तो किलोमीटर चूंकि मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ऐसे यूनिट में 1000 से मल्टीप्लाई किया 1500 मीटर, और वी की वैल्यूज ने हमें दे दी 343 मीटर पर सेकेंड। नहीं सॉरी, वी की वैल्यूज ने नहीं दी, तो ये वी की वैल्यू जो है ये आप डाटा से कट कर देना, वी की वैल्यू 343 मीटर पर सेकेंड गलती से लिखा गया है, इसको कट कर देना डाटा में से। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, वी हमारे पास ऊपर नहीं है और वो टाइम मालूम करने को कहता है। अगर रेड कलर का आप देखें तो एस इज इक्वल टू वी टी हमने फार्मूला लिखा है, इसमें अगर हमने टाइम मालूम करना हो तो एक ही फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, एस इज इक्वल टू वी टी, एस है वी नहीं है, इसलिए हमने सबसे पहले सिंस लिखा वी मालूम करने के लिए वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो एफ की वैल्यू 2000, लैम्डा की 0.35 मल्टीप्लाई किया तो वी 700 मीटर पर सेकेंड। अब एस इज इक्वल टू वी टी में वैल्यूज पुट करते हैं, रीअरेंज किया पहले टी इज इक्वल टू एस ओवर वी, और एस की वैल्यू 1500 डिवाइडेड बाय 700 डिवाइड किया तो 2.14 सेकेंड्स। तो 11.9 में आप डेटा में से वेलोसिटी की वैल्यू 343 मीटर पर सेकेंड कट कर दें, ये गलती से लिखी गई है। थैंक यू स्टूडेंट्स।